हेलो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं यह है राधा का घर। सुबह का वक्त है और इधर सब जग चुके हैं। अरे राधा, मैं बाजार जा रहा हूँ, तुम्हें कुछ चाहिए क्या? बोलो, मैं बाजार से आते समय ले आऊंगा तुम्हारे लिए। अरे नहीं नहीं श्यामू, कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ है मेरे पास, और सब्जी सारे सब वगैरह सब कुछ है, कुछ नहीं चाहिए। बस आप बाजार से आते समय गुपचुप ले आइएगा, मेरा बहुत ही ज़्यादा मन कर रहा है गुपचुप खाने के लिए। मैं बहुत दिन हो गया गुपचुप खाई नहीं हूँ, आप आते समय गुपचुप ले आइएगा। ठीक है, मैं गुपचुप ले आऊँगा। अरे रिंकी बेटा, तुम्हें क्या चाहिए बोल दो पापा को, पापा बाजार से आते समय ले आएंगे तुम्हारे लिए। अरे पापा पापा, मुझे भी गुपचुप खाना है पापा। पापा आप बाजार से आते समय मेरे लिए भी गुपचुप लाइएगा, मुझे भी गुपचुप खाना है पापा, और मेरे लिए टॉफी भी लाइएगा। ठीक है, मैं आते समय माँ बेटी के लिए गुपचुप ले आऊँगा। ठीक है, मैं आता हूँ। अरे आप भूलिएगा मत, याद करके ले आइएगा। अरे हाँ हाँ, मैं भूलूंगा नहीं, याद करके पक्का ले आऊंगा तुम्हारे लिए गुपचुप। और इधर चिंकी राधा के घर आ जाती है। अरे रिंकी, क्या कर रही हो? आओ आओ, बहुत हम चलते हैं बाजार, गुपचुप खा कर आएंगे। अरे चिंकी, तुम अकेली, तुम्हारी मम्मी कहाँ है? अरे राधा आंटी, मम्मी आ रही हैं, चलिए हम बाजार चलते हैं गुपचुप खाएंगे, मम्मी बोल रही थी। अरे चिंकी, हम गुपचुप खाने बाजार जाएंगे। और इधर गीता भी आ जाती है। अरे राधा दीदी, चलिए ना बाजार चलते हैं। अरे क्यों गीता, बाजार क्यों जाना है तुम्हें? अरे कुछ शॉपिंग करना था और बाजार से गुपचुप खा कर आएंगे। चलिए राधा दीदी, बहुत दिन हो गए गुपचुप भी खाई नहीं हूँ, मेरा बहुत ही ज़्यादा मन कर रहा है गुपचुप खाने के लिए। चलो चलते हैं, कुछ शॉपिंग कर लेंगे और गुपचुप खा कर आएंगे बाजार से। और चिंकी का भी बहुत ही ज़्यादा मन था गुपचुप खाने का। अरे हाँ हाँ गीता, तुम तो सही बात बोल रही हो, बाजार जाते तो खा के आ जाते। रिंकी भी जिद कर रही थी गुपचुप खाने के लिए। मैं श्यामू को बोल दी हूँ बाजार से आते समय गुपचुप ले आएंगे। अरे हाँ दीदी, मेरा बहुत ही ज़्यादा मन था, सब जाते तो बहुत ही अच्छा होता। ठीक है गीता, तुम यहीं रुक जाओ, श्यामू गुपचुप लाएंगे तो हम सब मिलकर खाएंगे। ठीक है दीदी, श्यामू भैया गुपचुप ले आएंगे तो हम सब मिलकर यहीं खा लेंगे। ठीक है गीता, तुम बैठो। अरे मम्मी मम्मी, बाजार नहीं जाना है क्या? मुझे गुपचुप खाना था मम्मी। अरे हाँ हाँ चिंकी बेटा, तुम्हें गुपचुप खाना है, तुम गुपचुप खाओगी, रुक जाओ, तुम्हारे श्यामू अंकल गुपचुप ले आएंगे तो तुम खाना। ठीक है, और रिंकी के लिए ले आएंगे और तुम्हारे लिए भी ले आएंगे। ये हम घर पे गुपचुप खाएंगे, रिंकी हम गुपचुप मिलकर खाएंगे, बहुत ही मजा आएगा। ठीक है, अरे हाँ हाँ चिंकी, गुपचुप ले लो गुपचुप, आ जाओ बच्चे, गुपचुप खा लो गुपचुप, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मजेदार गुपचुप मिल रहा है, आ जाओ गुपचुप खा लो, आ जाओ बच्चों, आ जाओ। चलो बाजार से काम खत्म हो गया, अब मैं घर चलता हूँ। अरे गुपचुप वाले, अरे रिंकी और राधा तो बोली थी गुपचुप ले आना बाजार से, हे भगवान, मुझे तो याद ही नहीं रहा। मैं काम करता हूँ, गुपचुप वाले को बुला कर ले जाता हूँ अपने साथ, वहीं राधा और रिंकी गुपचुप खा लेंगे। अरे गुपचुप वाले भैया, हमें खाना है, चलिए हमारे घर, हमारा घर यहीं पास में है, सब गुपचुप खाने के लिए बोल रहे थे, चलिए मेरे साथ। अरे हाँ हाँ भैया, चलिए भैया चलिए। अरे चलो, रास्ते में गुपचुप वाला मिल गया, नहीं तो राधा और रिंकी कितना गुस्सा होती मेरे ऊपर, बार बार बोली थी पापा गुपचुप लाओगे, पापा गुपचुप लाओगे। अरे चलो चलो भैया, चलो मेरे साथ चलो। और इधर श्यामू गुपचुप वाले को बुला कर ले आता है। अरे गुपचुप ले लो गुपचुप, गुपचुप ले लो गुपचुप, आ जाओ। अरे भैया चलिए, ये रहा हमारा घर। अरे हाँ हाँ चलता हूँ। अरे गीता, और इधर श्यामू गुपचुप वाले को बुला लाता है। अरे राधा, अरे रिंकी, आ जाओ, गुपचुप वाला आया है, खा लो गुपचुप। अरे श्यामू गुपचुप वाले को बुला कर ले आए हैं। अरे गीता, अब तो बहुत ही ज्यादा मजा आएगा, गुपचुप वाला खुद आया है, चलो बहुत ही सारा गुपचुप खाएंगे। अरे हाँ हाँ राधा दीदी, वाओ, चलो गुपचुप वाला आया है, गोपाल भैया तो गुपचुप वाले को ही बुला कर ले आए हैं, चलो सब मिलकर खाते हैं, बहुत ही मजा आएगा। अरे राधा, मैं गुपचुप वाले को बुला लाया हूँ, जिसको जितना गुपचुप खाना है सब खा लो। ठीक है गोपाल। अरे भैया हमें गुपचुप दीजिए। अरे हाँ हाँ मैं अभी देता हूँ सबको गुपचुप।
चलो मैं सबको प्लेट दे दिया हूँ, अब मैं गुपचुप लगाता हूँ सबको। अरे भैया अरे भैया जल्दी दीजिए, गुपचुप देखकर मुंह में पानी आ रहा है। अरे हाँ हाँ दीदी रुकिए, मैं अभी देता हूँ सबको। अरे गीता श्याम को बुला कर ले आई होती, श्याम भी खा लेता गुपचुप। अरे हाँ हाँ श्यामू भैया, श्याम तो नहीं है घर पे, काम से थोड़ा बाहर गए थे इसलिए नहीं आए। ओ अच्छा अच्छा, चलो हम सब मिलकर गुपचुप खाते हैं। इधर सब गुपचुप खाने लगते हैं। अरे वाह गोपाल भैया, अरे वाह श्यामू भैया, आप तो बहुत ही अच्छे गुपचुप वाले को लाए हो, बहुत ही टेस्टी है गुपचुप। अरे हाँ हाँ सच में गीता बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। और इधर सब गुपचुप खाने लगते हैं। ये थी आज की कहानी दोस्तों, हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।